वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 24 सितंबर 2021 और 24 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कब पटना जिला दूरसंचार की ओर से टेलीफोन अदालत लगाई जाएगी। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29 सितंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि बिहार में 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा, ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग कमेंट में लिखिए और विस्तारपूर्वक। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चला जा रहा है तो इसके तहत आपको 38वां प्रैक्टिस सेट इस संडे को दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना ये 50 सेट्स की एक सीरीज थी जिसके तहत हम लोग 37 सेट को कवर कर चुके हैं। जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था और ये निरंतर यूं ही चलते आ रहा है। प्रत्येक संडे को एक टेस्ट का आयोजन होता है तो 37 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। आपको ध्यान रखना ये सारे सेट्स जो हैं ये 67वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीयू इन दोनों आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया। तो ये सारे के सारे फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर यानी कि आपके कह सकते हैं मॉडल सेट पे आधारित है, ये बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। आपको यहां से ये अगर आप सारे को बना लेते हैं, ये सारे को सॉल्व करते हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में बेहतर तरीके से स्कोर कर पाएंगे। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का जो हमारा पहला प्रश्न है यह प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिला कोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए रेप की कोशिश करने वाले जेल गए आरोपी को गांव की 2000 महिलाओं के कपड़ा धोने की शर्त पर रिहा कर दिया है। यह बहुत ज्यादा चर्चे में है तो थोड़ा सा यूनिक है और इस तरह का फैसला पहली बार हुआ है तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये होगा मधुबनी जिला कोर्ट ने अभी हाल ही में ये फैसला सुनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं यहाँ पर कि बिहार के मधुबनी में कोर्ट ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला सुनाया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल कोर्ट ने रेप की कोशिश में जेल गए एक शख्स जिनका नाम है ललन कुमार तो उनको गांव की 2000 महिलाओं के कपड़ा धोने की शर्त पर रिहा कर दिया है। यह अजीबोगरीब फैसला मधुबनी जिले के झंझारपुर की निचली अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार ने सुनाया है। ये यहाँ से याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर जज का नाम पूछा जा सकता है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार ने यह फैसला सुनाया है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यायालय की। तो न्यायालय संबंधित एक प्रश्न है जो कि कई बार बिहार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट को ऐड किया जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 3 फरवरी 1916 को, ये पॉइंट आप याद रखिए, कई बार ये पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही है। तो ये वाला भी पॉइंट यहाँ से आप ही याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 22 सितंबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किया गया या फिर लिया गया और निम्न में से कौन सा सही है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही होगा। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे हमारा सही होगा क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है कि पूर्णिया में एथेनॉल का प्लांट लगाने को लेकर मंजूरी दी गई और साथ ही लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई। तो अभी हाल ही में ये मतलब कि बिहार कैबिनेट की बैठक में ये घोषणा किया गया। आपको ध्यान रखना ये दोनों यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। अब इस प्रश्न के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणा किया गया जिसमें जो महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पूर्णिया में एथेनॉल का प्लांट लगाने को लेकर मंजूरी दी गई और साथ ही लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि और पंचायत चुनाव की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को नामांकन के आधार पर नामित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया और इसके अतिरिक्त और भी कई निर्णय व घोषणा किया गया। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से याद रखिए, ये तीनों जो पॉइंट थे ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसीलिए तीनों को मैंने ऐड किया। हालांकि घोषणाएं बहुत ज़्यादा हुई है तो ये तीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था तो इसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न।
यह प्रश्न हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव की सेवा में पुनः 3 माह का विस्तार किया गया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है, और इस तरह के जो बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप याद रखिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरारी सरन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि मई 2020 में बिहार के मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के अरुण कुमार सिंह का कोरोना की वजह से निधन हुआ था, और उन्होंने इसी साल 27 फरवरी को पदभार संभाला था और 31 अगस्त 2021 को पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, या फिर पद से सेवानिवृत्त होना था। आपको ध्यान रखना, ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताया है कि मई 2020 में बिहार के मुख्य सचिव जो थे पश्चिम बंगाल के थे, जिनका नाम था अरुण कुमार सिंह, और कोरोना संक्रमण की वजह से इनका निधन हुआ था। इस पद पर जो इनकी नियुक्ति हुई थी ये 27 फरवरी 2021 को हुई थी, और इनकी जो सेवानिवृत्ति की जो तिथि थी ये 31 अगस्त 2021 को थी। लेकिन यहां पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा, इसे ध्यान से देखिएगा, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद त्रिपुरारी शरण को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था मई 2020 में, और वे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे। लगभग 2 माह का अवधि था और 30 जून को वे सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सेवा में 3 माह का विस्तार कर 30 सितंबर कर दिया गया, यानी कि 30 जून से बढ़ा करके 3 माह का इनमें विस्तार किया गया और 30 जून किया गया। लेकिन हाल ही में अब यहां पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, लेकिन अब पुनः राज्य सरकार ने केंद्र को, यानी केंद्र सरकार को उनके दूसरे एक्सटेंशन के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके आधार पर मतलब कि उन्हें 3 माह का एक्सटेंशन मिल गया है। मतलब इस तरह से 30 सितंबर नहीं बल्कि अब वे 30 दिसंबर तक इस सेवा में रहेंगे। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहां पर याद रखिए, और जो आप यहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है त्रिपुरारी शरण, ठीक है। अब यहां पे हमारा अगला प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने हाल ही में किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान को 9वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप यहां पर याद रखिएगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 21वां वार्षिक सम्मेलन तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, यानी कि ये वर्चुअल फॉर्मेट में ये आयोजित किया गया तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। और आपको ये भी ध्यान रखना, ये 21वां संस्करण था इस सम्मेलन का। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजे पर ध्यान केंद्रित किया गया, और यहीं पर ईरान को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ये आप यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इससे संबंधित 2 पॉइंट को मैंने ऐड किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमारा पहला पॉइंट है कि शंघाई सहयोग संगठन में इस समय 8 पूर्ण सदस्य हैं। ये सदस्य देश कौन कौन से, यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, तो इनमें चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान तथा भारत और पाकिस्तान शामिल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान को मैंने अलग लिखा है, इसके पीछे का वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान को बाद में इसमें ऐड किया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, अगर हम इन 6 देशों की बात करें तो संस्थापक सदस्य हैं, ये 6 देश जो हैं ये संस्थापक सदस्य हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य देश नहीं है। उसी के बारे में यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में ऐड किया है कि 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को ऐड नहीं किया है, ठीक है, वो पॉइंट ये है कि शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना कहाँ हुआ था और ये कब हुआ था। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि VR चौधरी इसका सही उत्तर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी, जिनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी, तो इनको भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया है। आप जो यहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है विवेक राम चौधरी। अब आपको यह ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है, जिन्हें अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रमुख बनाने का घोषणा किया या फिर फैसला लिया है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि वर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद वे इस पद पर होंगे, यानी कि 30 सितंबर के बाद VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और विवेक राम चौधरी के बारे में यहाँ पर मैंने आगे अगले पॉइंट में लिखा है कि विवेक राम चौधरी नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि NDA के छात्र रहे हैं, और वे 19 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना में युद्धक शाखा में शामिल हुए थे। तो ये सारे पॉइंट जो संबंधित तथ्य होते हैं ये सारे को आप यहाँ से याद रखिए। हालांकि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट, ये भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 3रा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनसुख मंडाविया के द्वारा भी हाल ही में ये सूचकांक जारी किया गया। अब इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 3रा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। अब आप यहां पर इसको इमेज में भी देख सकते हैं। अब ये जारी जो किया गया है इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस सूचकांक की, तो इसके तहत 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को वर्ष 2020-21 की रैंकिंग में 9 प्रमुख राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले आप यहाँ पर यह ध्यान रखें, इस सूचकांक में 9 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है, और यहाँ पर यह जो सूचकांक जारी किया जाता है ये 5 मानकों पर जारी किया जाता है, यानी कि इनका जो 5 मानक होता है इन्हीं आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है या फिर किन्हीं राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया जाता है इन्हीं 5 मानकों के आधार पर। अब यहाँ पर जो 3 मतलब शीर्ष राज्य हैं वो है गुजरात, और दूसरे स्थान पर है केरल, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ये तीनों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि तालिबान ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में अपना राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। यह भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुहेल शाहीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न बारे बता दूं कि तालिबान ने हाल ही में अपने दोहा के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और इसके लिए तालिबान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा था और अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नामित करने तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में उनके प्रतिनिधिमंडल को भाग लेने की अपील की थी। अब यहीं से संबंधित एक और पॉइंट है जो कि आपको याद रखना, यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में उसे लिखा है। इससे पहले जब वर्ष 1996 से 2001 के बीच लगभग कह सकते हैं 20 वर्ष पहले अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया था, तब अफगान की चुनी हुई सरकार के संयुक्त राष्ट्र राजदूत यानी कि यूएन राजदूत ही देश का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। ये वाला पॉइंट भी आपको यहां से याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। आपको एक बात बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी से लेकर के अब तक सारे माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक है, तो वहां पर पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभी हाल ही में अजय देवगन को गैलेंट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत स्टील कंपनियों में से एक गैलेंट ग्रुप ने हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि अजय देवगन को अगले 2 वर्ष के लिए ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान ने ये रोक अभी हाल ही में यानी कि बैन अभी हाल ही में लगाया है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत यूएई में 19 सितंबर 2021 को हुआ, ये आपको यहाँ से याद रखना है, और इसी बीच तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया, ये बैन लगा दिया है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट में लिखा है कि साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें कई खेल भी शामिल, यानी कि मनोरंजन के जितने भी साधन थे सभी पर लगभग बैन लगा दिया गया, जो भी मतलब कि सामूहिक रूप से मनोरंजन कार्य होता था सभी पर बैन लगाया गया, और अधिकांश तौर पर इसमें बहुत सारे खेल भी शामिल है जो कि बैन किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर मैंने ये लिखा है इतना ही नहीं तालिबान सरकार ने महिलाओं को किसी भी खेल में भाग लेने से पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि महिलाओं को पूरी तरह से 100% बैन कर दिया, किसी भी खेल में भाग नहीं ले सकती है, ये हाल ही में तालिबान सरकार ने ये मतलब कि रोक लगाया है। तो ये सारे संबंधित चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एमरेंड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिशा पाटनी को भी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एमरेंड के द्वारा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एमरेंड ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आपको यहां से याद रखना है। और यहां पर ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा हुई तो यहां पर मैंने 2 पॉइंट को और ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का ये मतलब करंट अफेयर्स का मतलब कि ये प्रश्न है, दोनों को आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर हमारा पहला है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि AIA टाटा AIA जो लाइफ इंश्योरेंस है तो इनका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये बनाया गया नीरज चोपड़ा को। जबकि यहां पर मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में असम सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दोनों पॉइंट यहां से आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न, ये प्रश्न कि हाल ही में किस तिथि को विश्व गुलाब दिवस यानी कि वर्ल्ड रोज डे मनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व रोज डे अर्थात वर्ल्ड रोज डे मनाया गया है। अब आपको यहां पर बता दूं इस प्रश्न के बारे में ये मनाया क्यों जाता है।
सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस अर्थात वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व रोज डे के दिन कैंसर पीड़ित मरीज को गुलाब दिया जाता है, जिससे कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने की शक्ति मिले, यानी कि उनके हौसला को बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में ये मतलब दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर की, तो कैंसर के बारे में यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस का जो थीम था आई एम एंड आई विल, ये 2021 का विश्व कैंसर दिवस का थीम था, तो ये भी आप यहां से याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय कार्य हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गौतम अडानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में भारत के उद्योग जगत के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहां पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है गौतम अडानी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से भी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ऐसे में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने शायद अप्रैल माह में दिया था, क्योंकि ये अप्रैल या मई का करंट अफेयर्स है जो कि मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पर इसका हम जानते हैं कि हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये भी पॉइंट यहाँ से आप ही याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार मेक इन बिहार उत्पाद को कितने देश में पहुंचाया जाएगा। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया, इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें P21 लिख के मैसेज करें और यहाँ पर आपको डेमो PDF मिलेगा 6 से 7, जिस बात आप देखेंगे और उसे निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। आइए यहाँ पर आप जानते हैं इस बारे में कंप्लीट जानकारी को कि आपको पेड ग्रुप के तहत मिलेगा क्या क्या। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ईबुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ईबुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ईबुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बता दूं। अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको BPSC सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि BPSC पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा, यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा, सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा, तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखेगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके, यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके BPSC एग्जाम में सफलता बने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक, अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि BPSC एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। तो
मेनली जो हमारा होगा ये चार सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड टू के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको प्री 21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करना है प्री 21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये एक वर्ष की वैलिडिटी के साथ है, इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहां पर मैं आपको 399 में आपको यहां पे 50 प्रैक्टिस सेट, एक वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें प्री 21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर आप देखेंगे वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहां पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहां से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% से मुझे कवर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहां से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया, बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूं तो 38 10 कितना हो गया 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।